तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना भी एक स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे इस टेबल को फिल करने के लिए कंप्लीट करने के लिए ऐसा एक पास ट्रिक लेके आया हूँ इस ट्रिक को कहते हैं लेफ्ट पाम ट्रिक कि जो हमारे बाएं हाथ की लेफ्ट साइड की जो पाम होती है तली होती है इसका ये ट्रिक है ये देखें जो मैं इधर इत, भी जो तस्वीर बनाई है इसी की है ये अंगूठा है अंगूठा को नाइन्टी और ये वाला जो है 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री एंड जीरो डिग्री तो अब हमने इसमें साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्लॉक वाइज मूव करना है क्लॉक और कॉस की वैल्यू फाइंड करने के लिए एंटी क्लॉक वाइज अब देखें पहले हम अगर साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं साइन जीरो पे अब हम जीरो पे खड़े हैं तो अब हमने जीरो पे खड़े हैं तो हमने देखना है कि साइन जीरो पे हमारी इस उंगली के के साइन जो साइन में हमने चलना है क्लॉकवाइज तो इस फिंगर के इस तरफ हमारे कितनी फिंगर्स हैं इस तरफ जीरो के हम जीरो पे खड़े हैं ना जीरो के इस तरफ हमारी कितनी फिंगर्स हैं कोई फिंगर्स नहीं है जीरो तो क्योंकि साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसकी उसकी राइट साइड पे मूव करना है तो यहां पे अगर जीरो पे हम खड़े होके राइट साइड पर देखते हैं तो हमारे कोई फिंगर्स नहीं है तो हम लिखेंगे यहां पे जितनी फिंगर्स होंगी उसका स्क्वेयर रूट डिवाइड बाय टू ये ट्रिक है जितनी फिंगर्स होंगी उसका स्क्यर रूट और डिवाइड बाय टू ये डिवाइड बाय जो टू है ये सब के साथ ही आना है यही इसका ट्रिक है अब इसमें देखें कि जो जीरो का स्क्यर रूट होता है वो जीरो ही होता है जीरो बाई टू और जीरो को जब टू से हम डिवाइड करते हैं तो वो जीरो ही आ जाता है इसकी ये वैल्यू जीरो है इसी तरह अब हम जाते हैं साइन थर्टी पे साइन थर्टी साइन थर्टी में देखें कि थर्टी पे हम खड़े हैं तो साइन थर्टी के हमने साइन में जाना है क्लॉक तो थर्टी के इस तरफ कितनी फिंगर्स हैं? वन तो हम यहां पे लिखेंगे वन का वन का स्क्वेयर रूट डिवाइड बाई टू मैंने ये बताया था ना कि जितनी फिंगर्स होंगी उसका स्क्वेयर रूट और डिवाइड बाय सबके टू जाना है और वन का जो बेटा स्क्वेयर रूट होता है ये वन ही होता है और ओवर टू तो ये इसकी साइन थर्टी की ये वैल्यू आ गई अब आते हैं साइन फोर्टी पे साइन फोर्टी फाइव साइन में हमने क्लॉक वाइज देखना होता है साइन फोर्टी फाइव पे खड़े होके हमने देखना है कि हमारे इसके राइट right साइड पे कितनी फिंगर्स हैं इसके दो फिंगर्स हैं तो हम लिख देंगे टू अंडर रूट जितनी फिंगर्स होगी उसी का उसी उनकी तादाद और उसका अंडर रूट डिवाइड बाय सबके टू ही आना है अब हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जो भी बेटा क्योंकि हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो ये मैं एक साइड पे आपको सॉल्व कर देता हूं हमें पता है कि जब एक वैल्यू जो बगैर रूट की होती है ना उसको हम इस तरह दो दफा रूट में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के साइन के साथ जब इनको सॉल्व करो तो ये टू ही बनता है तो इसी तरह इसको सॉल्व करने के लिए नीचे वाली वैल्यू को हम दो दफा स्क्वेयर रूट के साथ लिख देंगे ये क्योंकि मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूं इस तरह ये आप कोई लिख रहा हूं वरना आप इसको डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं अब देखें टू स्क्र रूट से जो टू रूट कट गया बाकी रह गया वन ओवर टू अंडर रूट तो ये इसका आंसर आ गया इसी तरह अब साइन 60 पे वैल्यू फाइंड करनी है साइन 60, 60 डिग्री का है इसके देखें 60 के लिए हमने इसकी क्लॉकवाइज देखना कितनी फिंगर्स हैं एक दो तीन फिंगर्स हैं तो हम थ्री का कर देंगे थ्री अंडर रूट ओवर टू अब देखें जो थ्री स्क्वेयर रूट होता है ये किसी का परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है तो ये फर्दर सॉल्व भी नहीं होता तो यही इसका आंसर हो जाएगा अब आ जाए साइन 90 पे साइन 90 तो साइन के लिए हमने क्लॉकवाइज देखना होता है कितनी fingers हैं तो 90 के इस फोर तो हो जो तो होता, होता है ये फोर परफेक्ट स्क्वेयर है ये टू का परफेक्ट स्क्वेयर है टू डिवाइड बाई टू टू को टू से डिवाइड करेंगे तो वन आंसर आ जाएगा तो अब बेटा हमने cos की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉज़ की वैल्यू वैसे तो हम इसी तरह डायरेक्ट भी यहाँ से लिखे हैं कि अगर ये इस तरफ को लिखा है हमने ये वैल्यू तो जो क्लॉक जो इसकी कॉज की वैल्यू होती है जो इसकी आस वाली होती है इसकी जो तरतीब है बदल जाती है लास्ट वाली पहले है और ये वाली इधर और इस तरह करके ये हो जाती है लेकिन क्योंकि हम ये इसको हमने अगर हम एग्जाम में बैठे हैं तो वहाँ पे हमने जल्दी से इसको अपने हाथ से ट्रिकली हमने इसको सॉल्व करना होता है इसलिए मैं कॉज की भी अब यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ अब देखें कॉज ज़ीरो एंटी क्लॉक वाइज अब कितनी फोर हम लिख देंगे फोर फोर रूट डिवाइड बाय टू ये जैसे मैंने पहले डिवाइड बाय टू सबके साथ ही करना है अब जो फोर होता है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है टू का ये टू का स्क्वायर होता है तो टू डिवाइड बाय टू टू को टू से डिवाइड करेंगे तो बेटा वन आंसर आ जाएगा इसी तरह कॉज थर्टी कॉज थर्टी कॉज के लिए हमने एंटी क्लाक वाइज मूव करना है थर्टी के इस तरफ कितनी फिंगर्स हैं थ्री वन टू थ्री तो हम इसको लिख देंगे थ्री अंडर रूट डिवाइड बाय टू जितनी फिंगर्स होती हैं उसकी तादाद को हमने स्क्वेयर रूट के नीचे लिखना होता है अब आ आज अब ये क्योंकि फर्दर सॉल्व नहीं होता आप नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्टी फाइव कॉज 45, 45 पे और कॉज को हमने मूव करना है एंटी क्लॉक वाइज तो 45 फाइव के इस तरफ हमारे टू सिंगर्स हैं तो हम लिख देंगे टू अंडर रूट डिवाइड बाय टू तो इसको हमने पहले भी सॉल्व किया सामने हमें नजर आ रहा है कि जो बगैर स्क्वेयर रूट के वैल्यू होती है ना उसको हम दो दफा स्क्वेयर रूट में भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के साइन के साथ तो इस तरह टू स्क्वेयर रूट को टू स्क् रूट से करके से काटेंगे तो नीचे बचता है ये टू अंडर रूट तो अब चलते हैं सिक्सटी के लिए कॉज सिक्सटी कॉज के लिए हम ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ताकि अच्छी तरह से जहन में बैठ जाए अब कॉज सिक्स के लिए हमने एंटी क्लॉक वाइज देखना है सिक्सटी के इस तरफ कितनी फिंगर्स हैं एक तो वन का वन अंडर रूट डिवाइड बाय टू वन का अंडर रूट बेटा वन ही होता है और टू अब नेक्स्ट आ आगे नाइनटी कॉज नाइनटी इनटी के इस तरफ कितनी फिंगर्स है जीरो ओवर टू जीरो का स्क्वायर रूट जीरो ही होता है ओवर टू ऊपर जब भी जीरो हो उसको जिससे भी डिवाइड करें वो जीरो ही आता है तो अब बेटा कॉस्ट की वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है अब टेन की वैल्यू फाइंड करते हैं हमें पता है कि टेन जो जो टेन की वैल्यू होती है टेन इक्व टू होता है साइन ओवर कॉज का ये इससे पहले हम सीख चुके हैं तो अब यहां पे वैल्यू हम, कर हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि साइन की वैल्यू को कॉज की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे डिवाइड हम इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि साइन डिवाइडेड बाय वाई कॉस जिस तरह इसकी सिचुएशन हो उसके मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं तब देखें पहली वैल्यू यहां पे देखें आप ये टेन जीरो पे फाइंड करने के लिए जीरो डिवाइड बाय वन जीरो डिवाइड बाय वन जीरो को वन से डिवाइड करें तो बेटा ये जीरो आ जाता है इसी तरह देखें आप अब, अब साइन की वैल्यू वन बाय टू इसको डिवाइड बाय चाहे इसको डबल इसको फ्रैक्शन में लिख दें तो भी ठीक है जैसे ये मैंने बताया या फिर ऐसे लिख दें दोनों तरह से ही ठीक है तो डिवाइड बाय ये कॉज की वैल्यू इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा टू ऊपर और थ्री नीचे टू से टू बेटा कट जाएगा तो बाकी आंसर आ जाएगा ऊपर वन है नीचे थ्री अंडर रूट ये इसका आंसर आ गया अब देखें इसमें टेन फोर्टी फाइव के लिए साइन की वैल्यू वन ओवर अंडर वन ओवर टू अंडर रूट डिवाइड बाय कॉस की वैल्यू अभी वन ओवर टू अंडर रूट तो वन ओवर टू तो अंडर रूट को जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू अंडर रूट ऊपर वन नीचे टू अंडर रूट से टू अंडर रूट कट गया तो बेटा बाकी रह गया वन वन ओवर वन है ना तो इसको फिर वन लिखेंगे अब चलते हैं टेन सिक्स की जानब तो अब इसमें भी देखें पहले साइन की वैल्यू ये वाला फार्मूला यूज करते हुए हम टेन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं साइन की वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉज की वैल्यू कॉज की वैल्यू है वन ओवर टू ये मैं पूरा स्टेप सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ऊपर वन नीचे टू से टू कट गया अब ऊपर थ्री अंडर रूट बच गए और नीचे वन है वन लिखने की जरूरत नहीं है अब देखें बेटा टेन 90 पे वन ओवर जीरो तो किसी भी नंबर को जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड इस पर हम लिख देंगे कि या नॉट पॉसिबल या नॉट डिफाइंड तो ये बेटा साइन काज और टैन की वैल्यू हो चुकी हैं तो अगर किसी को अगर जो नेक्स्ट वैल्यू होती हैं जो इनके रेसिप्रोकल होते हैं अगर वो भी उनके चाहिए हो तो हमें पता है कि जो साइन का रेसिप्रोकल होता है वो कौशिक होता है और कॉज का रेसिप्रोकल सेक होता है और इसी तरह टैन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट होता है तो जिन्होंने ये भी देखने हो वो ये वीडियो देख ले जिनको नहीं चाहिए वो यहीं पे वीडियो एंड तो आप बेटा वैल्यू फाइंड करने लगे हैं कौशिक की कौशिक होता है साइन का उलर्ट साइन की वैल्यू जीरो है इसका हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं ना जीरो ओवर वन तो जीरो ओवर वन का उलट क्या हो जाएगा वन ओवर जीरो यानी वन ऊपर चला गया जीरो नीचे तो जब भी जीरो नीचे होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है अनडिफाइंड होती है तो इसको यहां पर अनडिफाइन भी लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड डिफाइंड इसी तरह बेटा ये हम फाइंड कर रहे हैं इसकी साइन के साथ अब थर्टी की थर्टी की वैल्यू है वन ओवर टू वन ओवर टू का ऑलट हो जाएगा टू ओवर वन ओवर वन ये वैसे ही हम लिख लेंगे अब देखिए फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव की वैल्यू है ओवर अंडर अंडर रूट रूट ऊपर हो जाएगा और वन नीचे नीचे वन लिखने की जरूरत नहीं है इसी तरह कौशिक सिक्सटी कौशिक सिक्सटी साइन सिक्सटी का रेसिप्रोकल होगा इसका टू ऊपर हो जाएगा और थ्री अंडर रूट नीचे इस तरह से अब कौशिक 90 जो कौशिक हमें पता है कि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है वन ओवर वन का अपोज इसका रेसिप्रोकल करें तो वो भी वन ही रहता है अब चलते हैं सेक की जानब सेक देखें सेक के थीटा ये होता है कौशिक का रेसिप्रोकल क्या ये आप यहाँ पे ऐसे करके फिंगर रख लें ताकि हमें उसकी सीध रहे हम ऐसे ना कि जल्दी में गलत वैल्यू लिखें अब जो सेक जीरो पे वन का रेसिप्रोकल वन ही होता है यानी कि वन ओवर वन ही होता है ना वन ओवर वन का रेसिप्रोकल करें वन ही रहता है इसी तरह अब सेक की जो थर्टी की वैल्यू है इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे टू ऊपर और थ्री अंडर रूट नीचे हो जाएगा अब इसी तरह फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव में जो टू अंडर रूट है क्या टू अंडर रूट ऊपर हो जाएगा और नीचे वन नीचे वन लिखने की इसकी जरूरत नहीं है तो आप बेटा सेक सिक्सटी पे सिक्सटी पे कॉज की वैल्यू वन ओवर टू है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो टू ओवर वन ओवर वन लिखने की जरूरत नहीं है अब देखिए कॉस जीरो कौस जीरो का जो जीरो होता है इसको ओवर वन इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वन ओवर जीरो तो जब भी नीचे जीरो आ जाए डिनोमिनेटर पे तो उसका सोलूशन अनडिफाइन होता है हम लिखेंगे नॉट डिफाइन अब बेटा लिखते हैं कॉड की वैल्यू तो कॉड जो होता है ये टेन का रेसिप्रोकल होता है अब देखें जीरो ओवर वन जीरो हम लिख सकते हैं वन ओवर जीरो इसका रेसिप्रोकल ये होगा ना जीरो ओवर वन है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वन ऊपर जीरो नीचे जो कि हो जाता है नॉट फाइन कैसे हो जाएगा अब नेक्स्ट आ जाते हैं ये थर्टी पे कॉट थर्टी कॉट थर्टी में वन ओवर थ्री अंडर रूट है तो थ्री अंडर रूट ऊपर हो जाएगा नीचे वन लिखने की जरूरत नहीं है इस तरह आ जाता है नेक्स्ट कॉट फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव का रेसिप्रोकल हो जाएगा वन वन का ओवर ओवर है 1 1 का वन ही रहता है अब देखें ये है थ्री अंडर रूट थ्री अंडर रूट के जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे वन होता है ना तो इसका वन हो जाएगा ऊपर और थ्री अंडर रूट नीचे लिख देंगे इसी तरह बेटा ये। ये जो था टैन हमारा नाइनटी पे था वन ओवर जीरो फाइन। तो वन ओवर जो जीरो होता है इसका जब हम रेसिप्रोवल करेंगे तो जीरो ऊपर हो जाएगा और वन नीचे जीरो को वन से डिवाइड करेंगे तो ये फिर जीरो हो जाता है तो ये बेटा इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तो उम्मीद है कि आपको आसान लगा होगा